नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद एक बार फिर नए सरकार की गठन हो गई है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शुरुआत से लेकर अब तक कौन कौन बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे श्री कृष्णा सिंह के बारे में। श्री कृष्णा सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक रहा था। अब हम बात करेंगे दीप नारायण सिंह के बारे में। दीप नारायण सिंह का कार्यकाल 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक रहा था। विनोदानंद झा का कार्यकाल 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक रहा था। केवी सहाय का कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक रहा था। महामाया प्रसाद सिन्हा का कार्यकाल 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक रहा था। सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहा था। बीपी मंडल का कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक रहा था। भोला पासवान शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इनका पहला कार्यकाल 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहा था। दूसरा कार्यकाल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक का रहा था और तीसरा कार्यकाल 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक रहा था। हरिहर सिंह का कार्यकाल 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक रहा था। दरोगा प्रसाद राय का कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक रहा था। कर्पूरी ठाकुर का पहला कार्यकाल 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक रहा था और इनका दूसरा कार्यकाल 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक रहा था। केदार पांडे का कार्यकाल 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक रहा था। अब्दुल गफूर का कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक रहा था। जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इनका पहला कार्यकाल 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक रहा था और दूसरा कार्यकाल 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक रहा था। जगन्नाथ मिश्रा का तीसरा कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक रहा था। रामसुंदर दास 1979 से 17 फरवरी 1980 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। चंद्रशेखर सिंह का कार्यकाल 14 अगस्त 1983 से 22 मार्च 1985 तक रहा था। बिंदेश्वरी दुबे का कार्यकाल 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक रहा था। भागवत झा आजाद 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। लालू प्रसाद यादव अपने पहले कार्यकाल में 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं दूसरे कार्यकाल में 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। राबड़ी देवी 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनी थी। राबड़ी देवी का पहला कार्यकाल 28 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक रहा था। वहीं उनका दूसरा कार्यकाल 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक का रहा, जबकि तीसरा कार्यकाल 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक रहा था। नीतीश कुमार सबसे अधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। उन्होंने कुल 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक ही रहा था। उनका दूसरा कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक रहा था। नीतीश कुमार का तीसरा कार्यकाल 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक रहा था। चौथा कार्यकाल 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 तक का रहा। पांचवा कार्यकाल 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक रहा।
छठा कार्यकाल 24 जुलाई 2017 से 16 नवंबर 2020 तक रहा और अब सातवां कार्यकाल 16 नवंबर 2020 से शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।